कुछ कह रही है वो सुनवा दे। जिसकी पृष्ठभूमि व सच्चाई ये है कि वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र की एनडीए सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर सन 2014 को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के केवल 6 महीने के अंदर ही पेट्रोल की कीमत की तरह ही डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। और तब फिर उस समय अपने इस घोर गरीब मजदूर व किसान विरोधी फैसले को भी इन्होंने एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में देश व दुनिया के सामने पेश किया था, परंतु बीजेपी सरकार की उसी 4 वर्ष पुरानी जन विरोधी नीति का ही आज परिणाम यह है कि देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस जैसी ये जन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पूरी तरह से अनियंत्रित होकर आसमान छू रही है, जिससे हर वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और इस महंगाई के असर से जनता की कमर टूट रही है और देश के लगभग 125 करोड़ व मेहनत कस आम जनता में दिन प्रतिदिन का संघर्ष काफी मुश्किल होकर अब इनमें काफी त्राही त्राही मची हुई है। इतना ही नहीं बल्कि डीजल व पेट्रोल की कीमत हर दिन व रसोई गैस की कीमत लगातार कुछ अंतराल के बाद जितना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर जनता के जीवन में हाहाकार मचाए हुए हैं, तो लगभग उतनी ही रिकॉर्ड तेजी से भारतीय रुपए की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर रही है। फिर भी केंद्र की सरकार जनता की लगातार बढ़ती हुई इन परेशानियों से थोड़ी भी चिंतित व विचलित नजर नहीं आती है, जिससे इस सरकार के जनविरोधी व अहंकारी होने के साथ साथ तो इनके बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ समर्थक होने का चेहरा भी बेनकाब होता है। इसके साथ ही डीजल व पेट्रोल आदि की बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध कल दिनांक 10 सितंबर के भारत बंद की प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार का ये अड़ियल रवैया कि सरकार डीजल व पेट्रोल आदि की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, तो इससे भी ये साबित करता है कि बीजेपी की सरकार इस चुनावी वर्ष व समय में भी अपने उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को कतई भी नाराज करना नहीं चाहती है, जिनके धन बल पर वह केंद्र के सत्ता में आई है और फिर उन्हीं के धन बल पर दोबारा भी सत्ता में आने का सपना देख रही है। वैसे इस बारे में ये भी सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने यूपीए एक में अर्थात सन 2004 से लेकर 2009 के बीच तो इनके सहयोगी पार्टियों के काफी कुछ नियंत्रण में रहने के बाद फिर यूपीए 2 के शासनकाल के प्रारंभ में ही पहले पार्ट एक में यूपीए की जब पहली ये पार्ट 1 की सरकार बनी तो उस समय तो इनके जो सहयोगी पार्टियां था उनका दबाव था तो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दे, लेकिन इसके बाद फिर यूपीए 2 के शासनकाल के प्रारंभ में ही काफी कुछ ऐसा ही रवैया अपनाकर जून सन 2010 में पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला किया गया था, किंतु केंद्र में बीजेपी की वर्तमान सरकार बनने के तुरंत बाद ये तो कांग्रेस के समय में पेट्रोल का डिसीजन लिया गया और इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, किंतु केंद्र में बीजेपी की वर्तमान सरकार बनने के बाद फिर इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति को न केवल जारी रखते हुए बल्कि इसको और भी आगे बढ़ाते हुए डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। तो इससे
स्वाभाविक तौर पर फिर महंगाई के बढ़ने के साथ साथ खेती व किसानी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई और फिर किसान लोग भी काफी परेशान हो उठे। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इस आग में घी डालते हुए घोर किसान विरोधी नई भूमि अधिग्रहण नीति को भी जबरदस्ती देश पर थोपने की कोशिश की और इसको लेकर ये लोग बार बार एक ही अध्यादेश को जारी करते रहे। इससे पूरे देश के किसान लोग जबरदस्त तौर पर आक्रोशित व आंदोलित हुए और फिर बीजेपी सरकार को इनके आगे मुंह की खाते हुए अपने नए भूमि अधिग्रहण कानून को वापस भी लेना पड़ा। लेकिन इन्होंने, दुख की बात यह है कि लेकिन इन्होंने डीजल की कीमत को सरकारी नियंत्रण में दोबारा वापस नहीं लिया, क्योंकि तब तक कई इनकी चुनिंदा निजी कंपनियां पेट्रोल व डीजल कारोबार में आ चुकी थी और वे पेट्रोल व डीजल आदि की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त बनाए रखना चाहती थी ताकि उनका मुनाफा हमेशा हर हाल में बरकरार बना रहे। इस तरह बीजेपी की वर्तमान केंद्र की सरकार ने भी अपनी उसी गलत आर्थिक नीति को अपनाया है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार अलोकप्रिय हुई थी और जिसकी सजा जनता ने फिर उसे सन 2014 में देश की सत्ता से बाहर करके दिया। लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकी बल्कि इनके केंद्र की सरकार ने अपने अड़ियल व जन विरोधी रवैये को और भी आगे बढ़ाते हुए बिना पूरी सूझबूझ व बिना पूरी तैयारी के ही काफी अपरिपक्व तरीके से नोटबंदी की आर्थिक इमरजेंसी देश की आम जनता पर थोप दी और फिर सत्ता के उसी नशे में चूर होकर जीएसटी की नई कर व्यवस्था को भी काफी आपाधापी में देश में लागू कर दिया। इस प्रकार से कुल मिलाकर केंद्र की वर्तमान बीजेपी सरकार आज अपना 5 वर्ष का कार्यकाल यानी कि अब होने वाला है, अब अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते करते लगभग उसी प्रकार के गलत आर्थिक व जन विरोधी फैसलों, गलत कार्य प्रणाली एवं भ्रष्टाचार आदि से घिरी हुई हमें नजर आती है। जिस प्रकार के आरोपों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली खासकर यूपीए दो सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में घिरी हुई नजर आती थी और फिर जिसके फलस्वरूप उसे सत्ता से बुरी तरह से हाथ धोना पड़ा था। और जहां तक बीजेपी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कल दिनांक 10 सितंबर को हुए भारत बंद का सवाल है, तो इसको लेकर सबसे पहले यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि बीएसपी सर्व समाज के गरीबों, मजदूरों, गरीब किसानों व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों की हितैषी पार्टी है और इसीलिए हमारी पार्टी द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के जन विरोधी नीतियों व सरकारी आतंक आदि के विरोध दर्ज करने का तरीका भी अन्य पार्टियों से अलग होता है, अर्थात पूर्ण रूप से संवैधानिक सम्मत व आम जनता को किसी भी प्रकार से कोई भी दुख तकलीफ नहीं देने वाला ही होता है। परंतु कल हुए भारत बंद के दौरान कुछ राज्यों में हुई हिंसा से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है, किंतु इसके साथ ही खासकर बीजेपी शासित कुछ राज्यों में भारत बंद के आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की भी हमारी पार्टी सख्त निंदा करती है। और अब अंत में बीएसपी का यही कहना है कि देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के समर्थन में बिग टिकट रिफॉर्म अर्थात बड़े आर्थिक सुधार के नाम से प्रचारित करके जनता पर थोपी जाने वाली खासकर गरीब, मजदूर, किसान
व जन विरोधी नीतियों व फैसलों को वापस लेने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे लगते हैं, क्योंकि जैसे पेट्रोल के मामले में डीजल का दोनों का फैसला एक ही जैसा है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार का ये तर्क भी अनुचित लगता है कि वह पेट्रोल व डीजल के मूल्य को नियंत्रित नहीं कर सकती है, क्योंकि ये उसके नियंत्रण के बाहर है। इससे भी हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है, जबकि इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि केंद्र की सरकार चाहे तो देश में मौजूदा जबरदस्त महंगाई के चल रहे इमरजेंसी हालात को देखते हुए खासकर पेट्रोल व डीजल की कीमतों को दोबारा सरकारी नियंत्रण में तुरंत वापस ले सकती है, या फिर इनकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ सख्त नीति भी बनाकर तेल कंपनियों की वर्तमान में चल रही मनमानी को भी काफी हद तक रोक सकती है, ताकि देश की आम जनता को हर प्रकार की बढ़ती हुई गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि की भारी मुसीबत से थोड़ी राहत मिल सके। वैसे भी भारत जैसे गरीबों, किसानों, कमजोर तबकों, मजलूमों, अकलियतों व मेहनत कश लोगों के देश में खासकर डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि जैसी बुनियादी जरूरतों के मामले में सरकारी नियंत्रण व समय समय पर सरकारी हस्तक्षेप करना इसलिए भी जरूरी है ताकि भारत अपने संविधान के हिसाब से एक सच्चा कल्याणकारी लोकतांत्रिक देश बने, ना कि यहाँ के सरकारें बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही हितेशी व समर्थक के रूप में कार्य करें, जैसा कि हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिस कारण यहाँ के लगभग सवा सौ करोड़ आम जनता का जीवन फिर से लाचार व गुलाम बनकर रह जाए। इन्हीं कुछ खास जरूरी बातों के साथ ही इस ज्वलंत मुद्दे पर मैंने अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया पूरे देशवासियों के सामने आपके माध्यम से रखी है। धन्यवाद। तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई उन्होंने साफ तौर पर कई तरह के वार सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर किए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मायावती का जोरदार हमला, बीजेपी और कांग्रेस पर वार, एक ही थैली के चट्टे बट्टे बताया है, बीजेपी और कांग्रेस पर सीधा वार किया, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर मायावती का हमला, और उन्होंने कहा कि यूपीए 2